मेरे घर में जब भी इस तरह का बैगन आता है तो मैं सोचती हूँ कुछ नई रेसिपी बनाऊँ। आज मैंने बैगन की एक नई रेसिपी बनाई है और बहुत ही टेस्टी होता है और थोड़ा रिच और तीखा, एकदम स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी। से आप रोटी, पराठा, चावल के साथ खा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज जो बनाएगी मैं बैगन की रेसिपी, उसके लिए मैंने बैगन को इस तरह से लंबा लंबा काट लिया है और उसमें हम नमक हल्दी मिला करके 5 मिनट के लिए रख देगी ताकि बैगन जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और उसमें हमको मसाला एकदम अलग से लगेगा। इसमें सूखी मिर्ची, लहसुन और टमाटर और यही मसाला इसमें लगता है, जीरा, धनिया ये सब नहीं लगता है। और इसके लिए हम पैन बैठाइए, उसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लिए हैं और उसमें हम बैंगन को जैसे मछली फ्राई करते हैं उस तरह से फ्राई करेंगे। इसमें हम पहले 1 पिंच हल्दी को दे दिए ताकि तेल छिटक करके बाहर ना आए। और इसमें हम बैंगन को जैसे मछली सजाते हैं उसी तरह इस तरह से अलग अलग करके सजा करके मीडियम फ्लेम पर सब बैंगन को लाल लाल करके फ्राई करेंगे। इस तरह से धीरे उलट पुलट करके और सब बैंगन को बहुत अच्छी तरह से एक एक बैंगन को अलग अलग करके लाल लाल करके फ्राई करेंगे ताकि सब बैंगन एक साथ देने पर क्या होता है, टूट जाता है। इस तरह से एक एक बैंगन को उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। बैगन जब हम फ्राई करते हैं तो उसी में तो 80% कुक हो जाता है बैगन, बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसके बाद हम नमक हल्दी मिला करके रखे हैं तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसमें हम लेंगे आलू, इसी तरह से आलू को भी लंबा लंबा हम काट लेंगे। इसलिए देखिए इस तरह से मैंने बैगन को लाल लाल करके फ्राई करके निकाल लिया है। 2 बार 3 बार में इस तरह से हम फ्राई करेंगे। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप ज़्यादा तेल दे करके एक साथ बहुत सारा बैंगन भी फ्राई कर सकते हैं। मैं कम तेल में यूज़ कर रही है और इसलिए मैं 2 बार में की। और फिर इसी पैन में हम काला जीरा और सूखी मिर्ची का फ़ोरन दिए और उसमें हम आलू को भी हम दे देंगे। अभी इस तरह से आलू को लंबा लंबा काट ली है, इस तरह से आलू को भी हम फ्राई करेंगे। आलू को हम लाल करके फ्राई करेंगे। मैं इसमें हम देंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी दे करके इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। और मैं तो लो फ्लेम पर बनाती हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आपको अगर बहुत जल्दी है तो आप थोड़ा सा हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं और उसमें तेल ज़्यादा लगेगा। और उसमें आप हम जो मसाला मिक्सी में पेस्ट की थी, टमाटर, लहसुन और सूखी मिर्ची का, वो पेस्ट मैंने इसमें दे दी पेस्ट। अभी मसाला भी बहुत अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। इस देखिए इसका कलर कितना सुंदर आता है। इसमें टमाटर जो पेस्ट करके दिए इसलिए कलर बहुत ज़्यादा कोई मसाला नहीं पड़ेगा इसमें। और मेरा वीडियो आप लोग अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक करने में क्या जाता है, हम लोग को वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप देखिए मसाला के साथ बैंगन को इस तरह से मिला देंगे। बैंगन और आलू को बहुत अच्छी तरह से मिला करके दोनों को थोड़ा देर के लिए मसाला के साथ फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे और उसको हम कवर कर देंगे। बहुत ही टेस्टी होता है खाने में और लगता है बैगन नहीं आप मछली का सब्जी खा रहे, मछली खा रहे हैं। जो मछली नहीं खाते हैं ना उसको वो बैगन की रेसिपी को इस तरह से बनाएगा तो उसको मछली खाने का फीलिंग्स आएगा। इस तरह से पानी दे दिए अपने स्वाद के अगर दे करके इसको हम अभी कवर कर देंगे।
बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन भी जाता है, क्योंकि बैंगन को तो कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आलू को अगर पतला काटिएगा तो और जल्दी होगा। आलू कुक हो गया, बस रेडी हो गया। अब मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई नया वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्दी से चला जाए।